बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मशीक न्यूज़ के साथ मैं हफीज़ा कंवर। नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तला'आत बलोचिस्तान मोहतरमा बुशरा ने कहा है कि सहाफ़त एक ऐसा पेशा है जो सुनने में तो बहुत आसान लगता है मगर हकीकत में बहुत मुश्किल है। ये एक ऐसी मंजिल है जहाँ तक पहुँचने का कोई वाज़ह रास्ता नहीं है, हर किसी को अपने लिए खुद रास्ता बनाना पड़ता है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मीडिया एकेडमी और प्रेस काउंसिल बलोचिस्तान की बिल्डिंग के दौरे के मौके पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए किया। गवर्नर बलोचिस्तान अमानुल्लाह यासीन ज़ई ने कहा है कि तालीम और तरबियत एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम है और दोनों के इश्तराक से ही नई नस्ल की बेहतर नशोनुमा की जा सकती है। उन्होंने कहा कि सूबे में कैडेट कॉलेजेस की नुमाया किरदार अदा कर रहा है, लिहाजा ज़रूरी है कि कैडेट कॉलेजेस की शानदार कारकर्दगी को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर किया जाए। कैडेट कॉलेजेस के प्रिंसिपल और उनकी पूरी टीम की अनथक काविशों के साथ साथ तलबा की किरदार साजी और इखलाक संवारने पर भी तवज्जो मरकूज रखी जाती है। चेयरमैन सेनेट मीर मोहम्मद सादिक संजरानी ने कहा है कि बलोचिस्तान के ताजरों और बिजनेस कम्युनिटी को दरपेश मसाइल के हल को यकीनी बनाने के लिए अपना कलीदी किरदार अदा करूंगा ताकि बलोचिस्तान के लोगों और ताजरों को तजारत के फ़िरोग में सहूलियात मैसर आ सकें। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने क्वेटा स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के नायब सदर मीर मुराद बलोच से मुलाकात में किया, जिसमें उन्हें बलोचिस्तान के ताजरों को दरपेश मसाइल से आगाह किया गया था। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान और अदीब डॉक्टर अब्दुल मालिक ने मारूफ शायर और महकमा खारजा पाकिस्तान के सीनियर ऑफिसर नजमुल साकिब की किताब सफ़र दूसरी तरफ की तकरीब की रुनमाई से खिताब करते हुए कहा कि रियासत को अदब और अदीब की सरपरस्ती करनी चाहिए ताकि माशरे में आला इखलाकी और तहजीबी कदरें फ़रोग़ पा सकें। अहले इल्म अदब और शोरा माशरे का सरमाया है और जो रियासतें अदब की सरपरस्ती करती हैं वो तारीख में अपना एक मुनफरद मकाम बना लेती हैं। बॉर्डर कस्टम्स कलेक्ट्रेट अप्रेजमेंट क्वेटा ने माली साल 2020-21 की पहले मार्च माह के दौरान फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानब से दिए जाने वाले अहदाफ से जायद महसूल जमा करके तमाम सबका रिकॉर्ड को तोड़ते हुए जुलाई से नवंबर के दौरान 11 अरब 22 करोड़ से जायद रकम जमा की, जबकि 3 अरब रुपये से जायद कस्टम्स ड्यूटी की मद में जमा किए, जो कि दिए गए टारगेट से 28% जायद हैं। क्वेटा के इलाके नवाकिली में सीटीडी और कानून नाफिज करने वाले अदारों के अहलकारों के साथ मुबैना फायरिंग के तबादले में एक मुश्तबा शख्स हलाक हो गया, जबकि एक साथी को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 4 क्लाशनकोफ और दीगर सामान बरामद करके कब्जे में ले लिया गया। नवाकिली में पेश आने वाले वाकये की पुलिस तहकीकात कर रही है। लाश को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सूबाई दारुलहुकूमत क्वेटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ हादसात और वाकयात में 2 अफराद हलाक और 2 जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ खुजार के इलाके जेदी में ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मुजीबुर रहमान हलाक हो गया, जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। इसी तरह विंदर में गाड़ी की टक्कर से 1 शख्स हलाक हो गया। लाशों और जख्मियों को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाश ज़रूरी कार्रवाई के बाद वर्सा के हवाले कर दी गई। मजीद कार्रवाई मकामी इंतजामिया कर रही है। क्वेटा शहर के इलाकों जंगलबाग और सर्वर टाउन में वसी अराजी पर गंदे नालों के जहरीले पानी से काश्त और तैयार करदा सब्जियों की फसलें तल्फ कर दी गईं। डायरेक्टर जनरल बलोचिस्तान फूड अथॉरिटी इब्राहिम बलोच की खसूसी हिदायत पर BFA हुकाम ने कार्रवाई के दौरान मस्कूरा खेतों को सीवरेज के पानी की फराहमी के जराए भी मुनकता कर दिए, जिन्हें मुलहका नालों के पानी से सैराब करके मुख्तलिफ सब्जियाँ काश्त की गई थीं। BFA की फूड सेफ्टी टीम ने कार्रवाई डायरेक्टर ऑपरेशंस गुलाम मुर्तजा की सरबराही में की। क्वेटा सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तला'आत बलोचिस्तान मोहतरमा बुशरा ने फातमा जिना जनरल एंड चेस्ट हॉस्पिटल का दौरा किया। MS डॉक्टर नूरुल्ला मुसाखिल ने कोरोना वायरस के बचाव से मुतालिक उठाए गए इकदाम के हवाले से ब्रीफिंग दी। मजीद जानते हैं सैयद शाहिब शाह की इस रिपोर्ट में। पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तला'आत बुशरा ने फातमा जिना चेस्ट अस्पताल का दौरा किया, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ वार्ड्स का जायजा लिया और मरीजों की आयादत की। कोरोना वायरस से सेहतयाब होने के बाद उनका ये किसी भी अस्पताल का पहला विजिट है। दौरे में उनके हमराह फातमा जिना चेस्ट अस्पताल के MS डॉक्टर नूरुल्ला खान भी मौजूद थे।
बुशरिन का कहना था कि हुकूमत की अवलीन तरजीह है कि सरकारी हेल्थ केयर सिस्टम पर आम आदमी का एतमाद बहाल किया जाए। इस वक्त जो मैंने हॉस्पिटल का विजिट किया है तो मैं बहुत मुतमईन हूँ, क्योंकि जिस तरह का सिस्टम इस वक्त यहाँ पर हैंडल किया हुआ है एमएस साहब ने, आई एम वेरी मच सेटिस्फाई कि सारे पेशेंट से मैंने एक एक से पर्सनली पूछा कि मेडिसिन मिल रही है, आप कम्फर्टेबल हैं यहाँ पर, डॉक्टर्स आ रहे हैं विजिट करें, तो सब माशाल्लाह बहुत अच्छा यहाँ पर फातिमा जिन्ना हॉस्पिटल का इस वक्त सिस्टम है। जैसे आपको पता है कि कोरोना जिस तेजी से इसकी दूसरी लहर लोगों को इफेक्ट कर रही है, तो ये हॉस्पिटल बहुत सपोर्ट कर रहा है। एमएस फातिमा जिन्ना चेस्ट हॉस्पिटल डॉक्टर नूरुल्लाह खान का कहना है, बुशरिन के बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने यहाँ का दौरा किया और हमारे मसाइल सुने, हमारे पास कुछ अदवियात का फुकदान है। बुशरिन ने दवाइयाँ फराम करने की यकीन दहानी कराई है। सबसे पहले मैं मैडम बुशरिन साहिबा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हर वक्त इस हॉस्पिटल के हवाले से, जो कोरोना का अभी सेकेंड वेव के हवाले से, इन्होंने हमें फैसिलिटेट किया। कुछ चीज़ें जो है ना, अभी पाइपलाइन में ICU का एक्सटेंशन है। पहले हमारे पास 5 बेड का ICU था, अभी मैडम ने खुद विजिट किया, 24 बेड ICU इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं। कोयटा के अस्पताल न सिर्फ कोयटा बल्कि पूरे बलूचिस्तान के आवाम के इलाज मुआलजे का मरकज हैं। अगर इन अस्पतालों की सहूलियात पे तरजीह दी गई तो बलूचिस्तान में सेहत की सूरत हाल बेहतर हो सकती है। कैमरामैन टीम के साथ सैयद शाजिब शाह, मशरिक एजरी, कोयटा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.mashriq.com.pk।